वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट द अफेयर पार्ट 18। इस कहानी में जब से जॉन के हाथ ऑस्कर का दिया हुआ वो वीडियो लगा है जिसमें स्कॉटी और एलिसन एक साथ हैं और वो आपस में ये बात कर रहे हैं कि ये बच्चा उनका है, इस वीडियो ने जॉन की नींदें भी उड़ा दी हैं। जब वो वीडियो देख रहा था तब उसकी असिस्टेंट ल्यूक ने उसे पूछा, मैं आपके लिए कॉफ़ी ले आऊँ? जॉन अभी भी ख्यालों में डूबा हुआ कह बैठा, मैं आज रात को सो नहीं पाऊँगा। एक तो ये बुढ़ापा, उस पर ये केस, इस केस ने तो मुझे भी हिला कर रख दिया है। कौन सच बोल रहा है, कौन क्या छिपा रहा है, समझ में नहीं आता। ल्यूक बड़ा प्रोफेशनल है, वो इधर उधर की बातें नहीं करता, सीधा काम की बात करता है। जॉन कभी मजाक करे तो भी बमुश्किल ही हंसता है। उसने जॉन को एक फाइल थमाई है और कहा है, इसमें फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं। पिछले साल मार्च की शुरुआत में स्कॉटी लॉकहार्ट ने उसे 3 बार फ़ोन किया था, फिर 1 बार अप्रैल में और 2 बार जून में, पर कोई भी कॉल 40 सेकंड से ज़्यादा देर तक नहीं थी। जॉन ने कहा, मैंने ऐसी प्रेम कहानी तो नहीं सुनी। ल्यूक ने आगे भी कहा, फिर स्कॉटी की मौत के 1 महीने पहले तक एलिसन को 14 फ़ोन आए, पर एलिसन ने कभी भी स्कॉटी को वापस फ़ोन नहीं किया, 1 बार भी नहीं। जॉन ने अपनी थ्योरी बनानी शुरू कर दी है। उसने कहा, तो उसकी शादी स्कॉट के भाई से हुई थी। वाह, वो हमेशा से स्कॉट की तरफ आकर्षित थी, पर उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। तब उसने नोआ से संबंध बनाना शुरू कर दिया, तब भी बात नहीं बनी। फिर उसने स्कॉट से भी रिश्ता बनाया, पर अभी वो प्रेग्नेंट है। हो सकता है कि बच्चा नोआ का हो या फिर स्कॉटी का हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो बच्चा किसका है। पर एक बात वो अच्छी तरह जानती है, नोआ उसके लिए बेटर ऑप्शन है और वो नोआ को खोना नहीं चाहती। जॉन ने ल्यूक से पूछा, क्या ऐसा मुमकिन है? ल्यूक ने कहा, हाँ मुमकिन है। जॉन ने आगे भी कहा, जहाँ तक स्कॉटी का सवाल है, वो एलिसन के प्रति वफादार है। उस रात के बाद उसने एलिसन को कई फ़ोन किए होंगे, पर एलिसन ने जवाब नहीं दिया। वो स्कॉटी के साथ अपने इस वाक्य को भुलाना चाहती हो। जॉन ने इसके बाद अपना माथा पीटा, अब तक तो वो अंधेरे में तीर चला रहा है ऐसा लगता है। ल्यूक ने पूछा, इसके बाद आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? जॉन ने थोड़े गुस्से में कहा, अब इसके आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ। ल्यूक ने कहा, हो सकता है कि स्कॉटी एलिसन को धमकी देता है कि वो नोआ से सब बता देगा कि ये बच्चा असल में उसी का है, फिर वो एलिसन को ब्लैकमेल करता है। जॉन ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की कोशिश की, इतनी देर से वो यही तो कर रहा था, अब तक वो थक चुका है। उसने कहा, हो सकता है कि स्कॉटी सिर्फ ये चाहता हो कि एलिसन नोआ को छोड़कर उसके पास आ जाए, इसलिए उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो। वीडियो टेप से लग रहा है कि एलिसन और स्कॉटी की लंबे समय के बाद मुलाकात हुई है। बाद में एलिसन शादी से जल्दी निकल जाती है, नशे में गाड़ी चलाती हुई शहर की तरफ आती है। नशे में धुत उसे दूर एक आकृति दिखती है, वो कार से नज़दीक जाती है, देखती है कि ये तो स्कॉटी है, वो उसे गाड़ी की रफ्तार से मार देती है। ल्यूक ने कहा, और जब ये सब हुआ तब नोआ कहाँ था? जॉन ने कहा, ये जानना हमारा काम नहीं है। इसके बाद कहानी अब पास्ट में आ गई है, जहाँ पहले हिस्से में हमें हेलेन की कहानी दिखाई जाएगी। हेलेन अपनी बेटी विटनी के साथ एक कॉलेज में आई है। विटनी ने अपनी माँ को छेड़ते हुए कहा, सामने का लड़का कितना हॉट है, आप कहो तो मैं आपके लिए उससे बात करूँ। हेलेन ने कहा, तुम चुप रहो, अभी अभी तो मेरा तलाक हुआ है और मैं डेटिंग करनी शुरू कर दूँ, तुम पागल हो गई हो। विटनी ने कहा, माँ इस बात को 1 साल हो गए हैं। इसके बाद वो थोड़ी दूर जाकर हेलेन की फ़ोटो खींचने लगी, इसे वो डेटिंग साइट पर डालना चाहती है। हेलेन ने भी थोड़े पोज दिए। ये कॉलेज दरअसल वही है जहाँ से हेलेन ने ग्रेजुएशन किया था। उसने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता यहाँ के किचन में काम करते थे, मैक्स और मैं यहाँ नशे में धुत आते थे और नोआ से मीटबॉल लेकर ही रहते थे। खैर छोड़ो, तुम्हें कैसा लगा ये कॉलेज? विटनी ने कहा, आपने कहा था कि अगर ये कॉलेज मुझे अच्छा नहीं लगा तब हम वापस ब्रुकलिन चले जाएंगे। हेलेन चाहती है कि विटनी पूरा कॉलेज देख ले, पर उसने तो इतनी देर में हेलेन की टिंडर पर प्रोफाइल बनाकर अपलोड भी कर दिया। हेलेन को गुस्सा भी आया और उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी। हेलेन ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारे एडमिशन के लिए कॉलेज ढूंढ रही हूँ और तुम मेरे लिए डेट ढूंढ रही हो, अब बस करो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए हैं, अब आगे के करियर पर फोकस करो। अपने पिता को देखो, उनके पास कुछ नहीं था, पर तैराकी में स्कॉलरशिप के दम पर इस कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। विटनी ने कहा, मुझे कभी भी कॉलेज जाना ही नहीं था, मुझे 4 साल तक एक कॉलेज में नहीं पढ़ना, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे कोई ऑफिस ज्वाइन करके एक ही कैबिन में पूरी ज़िंदगी बितानी हो, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। हेलेन ने पूछा, तो आखिर तुम करना क्या चाहती हो? विटनी ने कहा, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मैं जापान, लंदन ये सब घूमना चाहती हूँ, मैं मॉडल बनना चाहती हूँ,
मैं एक फोटोग्राफर से मिल भी चुकी हूँ। हेलेन ने चौंकते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो? तुम मुझसे पूछे बिना फोटोग्राफर से मिल भी आई? और क्या मॉडलिंग का भूत चढ़ा रखा है अपने सिर पर? विटनी ने तेज़ आवाज़ में कहा, मुझे पता था आप कुछ ऐसा ही कहेंगी, इसलिए अब मैं फ़ोटोग्राफर से मिलने गई तब आपको नहीं बताया। हेलेन ने कहा, विटनी तुम खूबसूरत हो माना, पर तुम्हारे पास अच्छा दिमाग भी है, उसका भी इस्तेमाल करो। मॉडलिंग में कितनी लड़कियों का यौन शोषण होता है तुम्हें नहीं पता। चुपचाप कॉलेज में एडमिशन ले लो, और अगर तुम नहीं मानी तो मैं मॉडलिंग के पैसे नहीं देने वाली। विटनी ने गुस्से में कहा, मुझे आपके पैसे चाहिए भी नहीं, मैं आप जैसी नहीं हूँ और ना ही मुझे आप जैसा बनना है। आप तो हमेशा अपने पेरेंट्स के पैसे पर डिपेंडेंट रहीं। मैं ऐसा नहीं करूँगी, सब कुछ अपने दम पर करूँगी। इतने में उसने देखा कि नोआ यहाँ आ गया है। वो दौड़ के नोआ के पास पहुँची। हेलेन ने उसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नोआ का जवाब था, अपनी किताब का दौरा। इस समय ईडन भी नोआ के साथ है। प्रेजेंट में जॉन से मिलने हेलेन पहुँची है। वो जानना चाहती है कि आखिर उसने 1 लाख दिया और सबूत में उसे क्या मिला है। जॉन ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में नहीं बता सकता, पर हमारे पास एक थ्योरी है जिसके हिसाब से एक सस्पेक्ट भी है, पर मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मैंने नोआ से भी अभी कुछ नहीं बताया है, थोड़ा सब्र करो, अभी मैं खुद ही इस कहानी में उलझा हुआ हूँ। कहानी फिर से पास में पहुँची है। हेलेन उस बुक स्टोर में पहुँची है जहाँ नोआ अपनी किताब पढ़कर सबको सुना रहा है। वो इस किताब में लिखी प्यार की बातें कर रहा है, वफा की बातें कर रहा है। हेलेन उसे देखकर मुस्कुरा रही है। नोआ के मुंह से वफा की बात सुनकर उसे हंसी आने लगी। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। यहाँ जब विटनी की बात उठी तब दोनों के विचार एकदम अलग थे। पहले तो नोआ को ये पसंद नहीं आया कि विटनी ने मॉडलिंग जैसा करियर चुना है और उसे कॉलेज जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, जबकि हेलेन चाहती कि उसे ज़बरदस्ती कॉलेज भेज दिया जाए। वो बच्ची है, इस उम्र में अपने फैसले नहीं ले पाएगी। पर नोआ ने कहा, उसके साथ ज़बरदस्ती मत करो, उसे 1 साल मॉडलिंग वाले स्कूल में पढ़ लेने दो, फिर उसे समझ आ जाएगा, फिर हम उसे कॉलेज भेज देंगे। देखो हेलेन, अगर तुम उसे इतनी छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी दोगी तो बड़ी होकर जब वो मुसीबत में फंसेगी तब हमारे पास नहीं आएगी। हेलेन तुम याद करो, जब तुम उसकी उम्र की थी तब क्या हुआ था? तुम्हारी अजीब अजीब सी डिमांड, तुमने फाइनल ईयर तक पैसे इकट्ठा किए थे कि तुम्हें आदिवासियों से मिलने जाना था। और क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं जाने देना चाहते थे, तुम उन्हें गलत साबित करने के लिए कुछ भी करने को राजी थी। अब विटनी को भी उसी राह पर मत भेजो। फिलहाल अभी इस मसले पर बात यहीं रुक गई है। बाहर निकलकर जब हेलेन अपने लिए कैब बुलाने वाली थी तब उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो नोआ। नोआ ने उसे सरप्राइजिंगली देखा और पूछा, किस लिए? हेलेन ने कहा, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई, हमेशा जब तुम साथ थे तब ये ट्राई करती रही कि तुम ये राइटिंग वगैरह छोड़कर सिर्फ मेरे पास रहो, बच्चों के पास रहो। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम सक्सेसफुल बनो, मुझे डर था कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे। मैं बहुत स्वार्थी थी, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम क्या चाहते थे। मैं लाखों सालों में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम इस मुकाम पर पहुंच जाओगे। अब तुम इस मुकाम पर हो और मुझे तुम पर गर्व है। ये कहते हुए उसकी आंखों में खुशी थी कि वो ये सब नोआ से कह पा रही है। इसके बाद वो यहाँ से चली गई। कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। हेलेन और नोआ एक साथ बैठे हैं। मार्टिन का कुश्ती का खेल चल रहा है। नोआ ने हेलेन से कहा, जॉन ने बताया कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि जिस गाड़ी से स्कॉटी को मारा गया वो मैं चला रहा था, तो मुझे उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। इतने में नोआ के हाथ से कुछ गिर गया है, पर वो तो मार्टिन के पास पहुंच गया है ताकि मार्टिन को उसकी जीत पर बधाई दे सके। पर हेलेन ने उस गिरी हुई वस्तु को टिश्यू पेपर से उठा कर रखा है। इस सीन से ये साफ लग रहा है कि हेलेन नोआ के फिंगरप्रिंट्स को ले जा रही है। भला वो इसका क्या करने वाली है ये हमें आगे पता चलेगा। अब कहानी का दूसरा हिस्सा यानी नोआ की कहानी। अभी वो एलिसन से दूर है अपनी किताब के प्रमोशन के लिए। अपनी किताब के प्रमोशन के लिए उसे एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, इसलिए वो एलिसन से वेबकैम से बात कर रहा है। एलिसन तो चाहती है कि नोआ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ बिताए, पर ऐसा हो नहीं पाता। एलिसन ने वेबकैम से ही उसका ऑफिस दिखाया जिसे उसने पूरी तरह बदल दिया है अपने बच्चे के लिए। दरअसल ये ऑफिस नोआ ने घर में ही बनाया था, पर एलिसन ने उसे बिल्कुल ही बदल कर एक बच्चे वाला कमरा बना दिया है। नोआ ने देखा कि उसे अपनी किताब के प्रमोशन के लिए निकलना है, उसने तुरंत ही इस बातचीत को ख़त्म कर दिया। अब वो ईडन को लिए उस लाइब्रेरी में पहुंचा है जहां वो अपनी किताब को पढ़ेगा। जब वो पढ़ रहा था तब हेलेन भी यहां बैठी थी, जैसा कि हमने पहले हिस्से में देखा था। यहां बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो नोआ की फ़ैन हो गई हैं। कई ने तो खड़े होकर कहा,
हम आपकी किताब पढ़कर यही कहना चाहते हैं कि ये किताब बहुत खूबसूरत है। और इन सब में एक लड़की खड़ी हुई, उसने कहा, आप जिस तरह औरतों की फीलिंग्स को बयां करते हैं वो बड़ा खूबसूरत है। मैं अपने आप को उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाती। इसके बाद सब ने ना सिर्फ किताबों को ख़रीदा बल्कि उस पर नोआ के सिग्नेचर्स भी लिए। इसके बाद हेलन और नोआ एक रेस्टोरेंट पहुँचे जहाँ हेलन नोआ को छेड़ रही थी। उसने नोआ की फ़ैन की नकल करते हुए कहा, नोआ सर, जिस तरह आप औरतों की फीलिंग व्यक्त करते हैं मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ। नोआ इन सब पर मुस्कुरा रहा था। इतने में नोआ को वो लड़का दिखा जिसने अपने रिव्यू में नोआ की किताब के बारे में बुरे शब्द लिखे हैं। नोआ तो उसे लड़ने जा रहा था, पर हेलन ने उसे रोका और कहा, तुम अब मेरे पिता के जैसे ट्रीट मत करो। नोआ, ये मत भूलो कि यहाँ तक पहुँचने में तुमने कितनी मेहनत की है। इस शोहरत को नशा मत बनने दो, सब एक पल में हाथ से छूट जाएगा। सक्सेस मिलने के बाद उसे संभालना भी आना चाहिए। नोआ ने कहा, तुम प्लीज़ मेरी तुलना अपने पिता से मत करो, मैं अपना नाम उस इंसान के साथ नहीं देखना चाहता। इन सब के बाद हेलन अपनी कैब में चली गई। इसके बाद नोआ उस आलोचक के पास पहुंचा जिसे मिलने से हेलन ने रोका था, पर अब जब वो चली गई है उसे रोकने वाला कोई नहीं है। इस आलोचक का नाम शिव बम है। नोआ ने कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हें क्या हक है दूसरों की मेहनत का मजाक उड़ाने का। इस समय नोआ काफ़ी गुस्से में आ चुका था। वो लोग जो जी जान लगाकर अपने अंदर की कला सबको दिखाते हैं, तुम्हें कुछ कला के बारे में पता भी है? शिव बम ने कहा, मेरी भी नॉवल छपने वाली है गर्मियों में, और अब आपको घर जाना चाहिए, आप नशे में हैं। नोआ ने जोर का तमाचा उसे मारा और शिवम ज़मीन पर गिर पड़ा। इस कारनामे को अंजाम देने के बाद नोआ अपने होटल वापस लौट आया, पर ईडन यहाँ पहुँची है अपना मोबाइल लिए। नोआ का कारनामा वहाँ के लोगों ने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था और अब वो सोशल साइट पर वायरल हो रहा है। ये सब ईडन ने नोआ को दिखाया है। इसमें नोआ शिवम को गाली भी दे रहा है। ईडन ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। इस समय नोआ ने शराब पी रखी है और नशे की हालत में ईडन के करीब चला गया। दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। दोनों हम बिस्तर होने ही वाले थे कि ईडन ने कहा, मैं अपने काम को मज़े के साथ मिक्स नहीं करती। इसके बाद वो यहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ एक के बाद एक किताबें साइन करता जा रहा है अपने फैंस के लिए। ये सीन दर्शा रहा है कि नोआ अब कितना सक्सेसफुल राइटर बन चुका है। कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। हेलन अब जॉन के पास पहुँची है। जॉन ने उसे पूछा, क्या तुम इसके लिए श्योर हो? उसने तुमसे तुम्हारा पति चुराया है। जब तक बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं होगा मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। इसके बाद हेलन ने जॉन को पिन्नी में लिपटी हुई उस वस्तु को दिया है जिस पर वो नोआ के फिंगरप्रिंट्स लाई है। अब ये दोनों मिलकर क्या अंजाम देने वाले हैं, ये अभी इस कहानी में रहस्य है। ये सब हमें अगले पार्ट्स में देखने को मिलेगा। अगला पार्ट हम कल तक पब्लिश कर देंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।